क्लब बैठो, बैठो। आप दोनों बैठो। और एकलव्य और शुभू इधर देखो मेरी तरफ। देखी तो है आप किधर? तुम तो देख रहे हो, एकलव्य नहीं देख रहा। एकलव्य अपनी हरकतबाजी पूरी कर रहा है, उसको हरकत करने की अच्छी वो आ रही है। एकलव्य, आज एक सिंपल सा टास्क है जो मैं कर रही हूँ, नॉर्मल वर्सेस ADHD बॉय, ठीक है? तो आपको उस टास्क में थोड़ी सी हेल्प करनी है ताकि आज टास्क को सफल बनाया जा सके। पहले कैसे पहले लिखना? हम करेंगे हिंदी की रीडिंग, देखते हैं कौन अच्छी रीडिंग करेगा। फिर हम करेंगे इंग्लिश की रीडिंग। मुझे वैसे भी हिंदी नहीं आती, अच्छा थोड़ी बहुत आती है। ठीक चलो, तो एकलव्य एक बुक, पहली बुक पढ़ेगा शुभू, उसके बाद पढ़ेगा एकलव्य। चलो है, मुझे पढ़ना तो आता है। रुको, पहले यहां से स्टार्ट करूं? हाँ, नहीं, यहाँ से नहीं, पहले कोई भी चैप्टर निकाल लो। बहुत अच्छा लगा था ये। अधिक अधिक बलवान कौन, वो निकाल लो। हाँ बलवान, रुको यहाँ से निकलते हैं। ऐसे तो पूरे दिन लग जाएंगे। ये आ गया आ गया आ गया आ गया। कहाँ गए एकलव्य, ये कहाँ गया? पीछे पीछे शुभ, आपके थंब के पास है, थंब के पास है अच्छा, चैप्टर। ये इधर हाँ ये ये है। रहा, एकलव्य आओ, आप पढ़ो ये रहा। पढ़ो शुभ। एक रुको सुनो, हाँ सुनाओ। स्टार्ट। एक रुको, अधिक बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझे में तुमसे ज्यादा ताकत है। कैसे पढूं? पढ़ो, मुझे कुछ समझ नहीं है, सुन रहे वैसे। जा धीरे धीरे पढ़ना सीखो। रहा था। हम सुन जाएंगे नहीं ना मम्मी? नहीं पहले मैं नहीं पढ़ा, फिर बोलो ना एक बार। एक बार हाँ और फिर बोलो आगे पढ़ो, पढ़ो बेटा, पढ़ो। पहले कैसे मैं तो नहीं पता ये हूँ। नहीं बोल, एक एक शब्द पढ़ो ये ना, बोलो ना ये। एक एक शब्द लो। अरे भैया, आप इन्हें इंग्लिश में बदल दो ना, इंग्लिश नहीं, ऐसे ये करें। एक बार एक बार हवा हवा और और सूरज में सूरज में बहस छिड़ गई। बैठ चढ़ गई, आगे पढ़ो। और फिर हो गया। हवा ने हवा ने सूरज से सूरज कहा, के, हाँ मैं मैं तुमसे तुमसे अधिक अधिक बलवान हूँ। बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, सूरज ने आवाज से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत मुझे है। तुमसे ज्यादा ताकत है। करो वे नहीं वन डे सी वन हंड्रेड फोर्स नहीं इज एनीबॉडी एंड सी एज देयर वाज नो बडी कैन बी फाउंड इन वन डे वाज अ गर्ल विद कर्ली हेयर Her name was Toki One. Day she went into a forest near where I see was caught carry as anybody and the idea was there was nobody the bear lived in the cattle and they had gone for a walk. Now this was Curly lock. her log went to see the who then there she ugly bow across India in the table. It was a big bow for people of Bay Area. Made a sideboard, but Mama did make a tiny little bow. Maybe the name question. The bear, she has seen how she ate a whole phone. And then how she ate honeymoon. Once there was a girl with curly hair. Name was Name was Curly Locks. Curly Locks. One day she went into the forest near Her house, her her house, house. she
वाज सॉ ए कॉटेज. कॉटेज क्या होता है? झोपड़ी. झोपड़ी. इज एनी बडी कॉटेज इज एनी बडी इन इन सी आस्क्ड शी आस्क्ड आस्क्ड देयर वाज नोबडी द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज दे हैड हैड. क्या हुआ एकलव्य? क्या बात हो गई? मैंने मेरा अंदर रखा था वहां पर. क्या रखा था? हमने रखा था वहां पर. क्या हमने रखा था? बोला था मैं रोका क्यों था? हाँ. बहुत धीरे हो गया था. बहुत धीरे 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 ना धीरे नहीं रहना चाहिए था ना. तेज होना चाहिए. तेज होना चाहिए था. जैसे सुबह ने तेज बोला था ना ऐसे तेज बोलना चाहिए था. आंखों में नाक में इसमें क्या हो गया बेटा? मक्खी घुस गई. एनिमेशन एनिमेशन. आपको एक एग्जाम आपको एक चीज बताऊं मम्मी. हाँ. जापान में जो कार्टून बनते हैं उन्हें एनीमे कहा जाता है. हाँ. और हमारे यहाँ पे जो देखो फिर नाक हो गई. हमारे यहाँ पे जो कार्टून बनते हैं उन्हें सिंपल कार्टून कहा जाता है. अच्छा. जापान में अलग है एनीमे. अच्छा. हेलो दोस्तों. हाय गाइस. वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सभी? ठंड बहुत अच्छी लग रही है. बहुत अच्छी ठंड हो रही है. और इस वक्त तो सभी ना मेरे हिसाब से आप सभी चाय पीने में लगे हुए होंगे. और हो रहा है इवनिंग का टाइम. आज संडे था तो संडे को तो पता ही है कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. हम बहुत इंजॉय करते हैं, सोते रहते हैं. नहीं ऐसा नहीं हुआ था, सोए नहीं थे. बहुत सारे क्लोज हो जाते हैं और घर के बहुत सारे वैसे काम हो जाते हैं जो हम पूरे वीक नहीं कर पाते हैं. तो हम संडे को पूरा कंप्लीट करते हैं. तो सुबह मॉर्निंग में तो मेरा कोई भी शूट नहीं कर पाई थी और मेरे को आदत भी अभी नहीं हो पा रही है कि किस तरीके से शूट करना है. कभी कभी मुझे मिल जाता है मौका, कभी कभी मुझे नहीं मिल पाता है. तो मैं उसको भी सीखने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ. लेकिन हो जाता है. जब जब धीरे धीरे सीख जाऊंगी, अच्छे से करना शुरू कर दूंगी, तो उसके लिए मैं सॉरी. अभी इतना जितना मैं कर रही हूँ उतना उसके लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. तो आज मैंने कोशिश की कि आपको ये दिखाने के लिए कि एकलव्य और शुभ दोनों की जो डिफरेंस है वो कैसा है. ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये दिखा रही हूँ कि छोटे बच्चे के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ. नहीं, मैं किसी भी तरीके से अपने बच्चों में कोई कंपैरिजन नहीं करती हूँ. हाँ, एकलव्य के अंदर जो भी कमी है उसको मैं इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत कोशिश भी कर रही हूँ कि वो पढ़ना शुरू कर दे. उसे हिंदी की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है. हिंदी में वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता है और इंग्लिश वो अच्छे से कवर कर लेता है. आपको वो थोड़ा शायद धीरे सुनाई दे लेकिन वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है. और शुभ भी अच्छी पढ़ लेता है लेकिन शुभ की अभी इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी अच्छी है. यहाँ मेरे साथ दोनों में ही क्या कहते हैं कंपटीशन आ गया है कि एक को हिंदी सिखानी है और एक को इंग्लिश सिखानी है. सुबह तो देखिए सीख ही रहा है और सीख ही जाएगा क्योंकि अभी क्लास छोटी है तो नींव अच्छी चलेगी. जब कहते हैं ना कि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत हो तो आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है. उसमें अगर कोई अर्थक्वेक वगैरह भी आ जाए तब भी वो नहीं हिलती है. तो वही चीज है कि शुभ की जो शुरुआत है स्कूल्स के थ्रू वो बहुत अच्छी चल रही है और उसकी फाउंडेशन अच्छी जड़ पकड़ लेगी तो वो अच्छी इमारत के साथ बड़ा होगा. आई होप भगवान उसको अच्छा ही तैयार करे और उसकी पढ़ाई भी अच्छी चले. हाँ, एकलव्य के साथ की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी है कि वो एक नॉलेज के थ्रू जो चीज समझता है उसको हम रिपीट टू रिपीट रिपीट टू रिपीट रिपीट टू रिपीट करते रहते हैं. अब मैं आपको ये बता दूं कि नर्सरी से लेकर अब तक हम उसे हिंदी ही सिखा रहे हैं. इंग्लिश तो मैंने उसे सिर्फ शुरुआत में सिखाई थी और वो इतनी ज्यादा पकड़ उसने मजबूत कर ली कि इन बच्चों में क्या होता है कि जो इन्हें चीज पसंद आती है ये उसी पर कमांड कर लेते हैं.
तो इसकी इंग्लिश तो बहुत मजबूत है, आप इसको कहीं पर भी पेपर दे दीजिए पढ़ना शुरू कर देगा। कुछ वर्ड्स में तो प्रॉब्लम अभी होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्लुएंट है, बोल भी अच्छा लेता है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैं बच्चों में कोई भी अंतर नहीं करती, अभी उसे उसी तरीके से पढ़ाती हूँ जिस तरीके से मैं शुभ को पढ़ाती हूँ। तो एकलव्य को तरीके से पढ़ाना, और एक उसको मैंने बताया भी था कि वो डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है। डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, डिसग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ डिसकैलकुलिया आपके मैथ की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चों की डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए होते हैं। तो जो बच्चा डिसेबिलिटी में शो हो रहा है तो उसके लिए वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, हमें देखना पड़ता है कि हम इसको किस तरीके से तैयार करें। आज का वीडियो शायद आपको इंफॉर्मेटिव लगे या ना लगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को मैं किस तरीके से ग्रो कर रही हूँ, किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। लाइफ में हर चीज़ मैं दिखाती रहती हूँ, रोज की अपनी लाइफ किस तरीके से चलती है, उसमें मैं एकलव्य को इसलिए पार्ट रखती हूँ क्योंकि आपको दिखा रही हूँ कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या करता है। आज मैंने आपको दिखा भी दिया कि वो किस तरीके से पढ़ता है, और अगर मैं उसे थोड़ी देर के लिए लगातार बैठा दूँ तो वो पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। अगर मैं उससे कह दूं कि अब आपका ऑफ हो गया, अब आपको नहीं पढ़ना, तो वो बिल्कुल छोड़ देगा, वो नहीं करेगा। तो वही चीज़ है कि इस तरीके के बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या कहें कि मजबूती से पकड़कर बैठना पड़ता है, तब ये बैठ जाते हैं। अगर बैठ जाते हैं तो पूरा काम कंप्लीट कर जाते हैं, और अगर नहीं बैठेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सोचिए कि आपने 10 दिन इसे नहीं पढ़ाया और 10 दिन आपने इससे नहीं बोला कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं बोला बिल्कुल भी, तो ये वो 10 दिन में आपसे पूछेंगे भी नहीं कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर आपने 10 दिन लगातार इसको एक ही चीज़ करा दी तो वो आपको हर चीज़ करके दिखा देगा। तो यही चीज़ है, और एक इसका स्पीड इतनी तेज है कि कल रात भी इतनी तेज भागा, इसको चोट लग गई। तो इसकी ये स्पीड क्या होती है, जब हाइपरनेस आ जाती है ना, तो वही चीज़ इसको एकदम से क्या कहते हैं हम हिंदी में, तो उत्तेजना कहते हैं, वो हाइपर हो जाती है, और ये फिर नहीं देखता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इस चक्कर में पिछले 15 दिनों में इसने अपने 2 ट्राउज़र फाड़ लिए हैं, उनमें होल कर लिए हैं। मैं उन्हें पहना रही हूँ कि देखो तुमने चोट लगाई है, तो अब तुम्हारे ये चोट लगे हुए ट्राउज़र हैं। हाथों में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, नीज में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, लेकिन इसको नहीं फर्क पड़ता। इसको चोट लग जाती है, थोड़ा दर्द होता है, उसके बाद ये फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। हमें थोड़ा डर लगता है कि कहीं से ज़्यादा चोट ना लग जाए और ऐसा ना हो कि नुकसान हमारे साथ हो जाए, तो हम बहुत ज़्यादा इसे संभालने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ें हैं कि मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा एक ADHD बच्चे में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो हम ढूंढ रहे हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को एक सीढ़ी दें, एक प्लेस दें, एक तरीका दें उन्हें करने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।